खरगोन में भीषण बस हादसे की प्रारंभिक पुलिस जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के चलते बस हादसे होने की बात सामने आई। एसएपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि जांच में तेज स्पीड और ओवरलोडिंग के चलते हादसा हुआ और थाना पुलिस ने धारा 304 और 34 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रकरण बस ड्राइवर सुनील राठौर, कंडक्टर संतोष वारचे और मालिक प्रवीण सोहनी महाराज के खिलाफ दर्ज किया है। बस कंडक्टर संतोष वारचे की हादसे में मौत हुई है। गंभीर घायल ड्राइवर सुनील राठौर निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं और बस मालिक प्रवीण सोहनी महाराज की तलाश कर रहे हैं। इधर पुलिस ने ओवरलोडिंग को लेकर हादसे के बाद 57 यात्री बस और मालवाहक जब्त कर लिए हैं। पुलिस कार्रवाई से हड़कंप मचा। निजी अस्पताल में भर्ती आरोपी चालक सुनील राठौर का कहना है कि कामानी का पट्टा निजी अस्पताल में भर्ती आरोपी चालक सुनील राठौर का कहना है कि कमानी का पट्टा टूटने पर अनियंत्रित होकर पुलिस से बस नीचे गिरी है और पुलिस कस्टडी हिरासत में आईसीयू में भर्ती सुनील राठौर ने बार बार बयान बदलने की बात से इनकार किया है। गौरतलब है कि 9 मई मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 24 से बढ़कर 25 लोगों की मौत हुई। जो बस एक्सीडेंट की दुखद घटना हुई है उसमें बड़ा कारण ओवरलोडिंग था। ओवरलोडिंग को लेकर जैसे कि शासन के निर्देश भी हैं तो कल से ही एक कम्बाइंड ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया है। इसमें चाहे वो यात्री वाहन हो चाहे वो माल वाहन हो सभी के अंगेंस्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग 57 के आसपास हम लोगों ने बसों के अंगेंस्ट में कार्रवाई की है जिनमें कि अभी भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में अभी ओवरलोडिंग हो रही है। तो यात्री वाहन और मालवाहक वाहन सभी के अंगेंस्ट में विशेष अभियान चला के ओवरलोडिंग कार्रवाई पूरे ज़िले में की जा रही है। कल जो घटना घटित हुई है उसके सारे एंगल्स पे जो प्राइमरी एविडेंस आए हैं उसमें ये एक तो ओवरलोडिंग मेजर कारण था। ओवरलोडिंग के अलावा जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। अभी सुबह भी एक्सपर्ट ने उसको एग्जामिन किया है तो ये सारे कारण थे। इसी की वजह से इसमें हमने गैर इरादतन हत्या केस रजिस्टर किया है। इसमें जो वाहन का संचालक है गणेश महाराज वो ड्राइवर सर्वाइव कर गया है उसके अगेंस्ट में 304 और 34 में केस रजिस्टर किया है। क्योंकि ये ओवरऑल जो नेग्लिजेंस है ओवरलोडिंग है ओवर स्पीडिंग है इससे ये क्लियर कट संज्ञान लिया है कि इसमें इनकी जानकारी में था कि इनका ये जो आचरण है इसके कारण लोगों की मौत हो सकती है तो गंभीर धाराओं केस रजिस्टर किया है और इसमें जो वाहन संचालक है उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। इसमें सर चालक जो है उसको क्या पुलिस हिरासत में भी इलाज चल रहा है? हाँ वो बेसिकली अभी उसकी सीरियस कंडीशन है उसको मेंटल ट्रॉमा जैसी कंडीशन है विराज हॉस्पिटल में एडमिट है पुलिस की कस्टडी में है। परिचालक की तो मौत मौके पर डेथ हो गई थी उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज। हाँ क्योंकि ये जो घायल लोग थे उन्होंने बताया था कि वाहन मालिक और परिचालक ने मिल के ओवरलोड कर सवारियाँ बिठाई थी उसकी वजह से ये पूरा घटना घटित हुआ है। देखिए जो ड्राइवर है वो तो अभी एडमिट है जो संचालक है गणेश महाजन वो एब्सकॉन्ड कर रहा है उसकी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं।